नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। द्वारका जिला पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने मिलकर 17 ऐसे लोगों को पकड़ा जो राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका जिला में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि उन 17 विदेशियों को फरवरी में गिरफ्तार किया गया और उन्हें निर्वासित किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि फरवरी माह में द्वारका जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई जारी रखते हुए विदेशियों को पकड़ने के लिए एटीएस नारकोटिक्स सेल द्वारका नॉर्थ और मोहन गार्डन थानों की टीम का गठन किया गया था। टीमें विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए कार्रवाई में जुट गई जो बिना वैध वीजा के द्वारका के क्षेत्र में रह रहे थे। टीमों ने नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान सहित 17 विदेशी नागरिकों को पकड़ने में सफलता हासिल की। डीसीपी ने कहा, पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक वैध वीजा के बिना भारत में समय से अधिक रह रहे थे। उन्होंने विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनके निर्वासन का आदेश दिया। इसके चलते उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, बिना वेरिफिकेशन के रहने वाले विदेशियों को किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।